नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लिटल अ लिटल द लिटल फ्यू अ फ्यू द फ्यू इनमें क्या डिफरेंस होता है ये बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये डिटरमिनर्स भी इनको बोला जाता है और ये एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। एडजेक्टिव मीन विशेषण, जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, एडजेक्टिव से कहते हैं, ठीक है। तो इनमें लिटल फ्यू, अ लिटल अ फ्यू, द लिटल द फ्यू, इनमें अलका अलका डिफरेंस है। सबसे पहले तो इनका जो प्रयोग होता है वो मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी के लिए होता है, मात्रा के लिए प्रयोग होता है, मात्रा जिसको तोला जा सके, ठीक है, मापा जा सके, क्वांटिटी के लिए इनका प्रयोग होता है। और ये भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं। फ्यू अ फ्यू द फ्यू, इनका प्रयोग नंबर के लिए होता है, संख्या, संख्या के लिए होता है, ठीक है। लिटल, न के बराबर मात्रा, न के बराबर मात्रा के लिए लिटल का प्रयोग, न के बराबर संख्या के लिए फ्यू का प्रयोग, कुछ मात्रा के लिए फॉर सम क्वांटिटी अ लिटिल का प्रयोग, कुछ संख्या के लिए, कुछ संख्या के लिए अ फ्यू का प्रयोग, द लिटिल पहले से ही मौजूद, पहले से ही मौजूद मात्रा के लिए द लिटिल का प्रयोग, पहले से ही मौजूद संख्या के लिए द लिटिल का प्रयोग होता है, सॉरी द फ्यू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हल्का हल्का डिफरेंस है, ये आपने इसको समझना है। कैसे, न के बराबर मात्रा, ही हैज लिटिल मिल्क, उसके पास जग में लिटिल मिल्क है, मतलब ये बात समझनी आपने, है भी नहीं भी है, उसके लिए लिटिल और फ्यू का प्रयोग होता है, ठीक है। जग में दूध है लेकिन एक दो घूंट ही है, इट मीन्स ये है भी और वो सफिशियंट भी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार He makes few mistakes, वह न के बराबर गलती करता है, तो संख्या के लिए, ठीक है। A little, कुछ मात्रा के लिए, कैसे, There is a little water इन द पिक्चर, मटके में कुछ पानी है, मतलब थोड़ा सा है, ए लिटिल मात्रा, ठीक है। देर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ एक विद्यार्थी हैं, संख्या के लिए फ्यू, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूं। द लिटल ही ड्रैंक द लिटल मिल्क,
ही हैड, वह सारा दूध पी गया, द लिटिल मिल्क, वह सारा दूध पी गया ही हैड, जो उसके पास था मतलब जितना ही पहले से ही जो मात्रा मौजूद थी, जितना भी दूध उसके पास था सारा पी गया। तो पहले से ही कोई मात्रा मौजूद हो, कोई भी चीज लिक्विड कोई भी है, ठीक है, उसके लिए द लिटिल का प्रयोग होता है। द ट्यूब किसी प्रकार देयर आर द ट्यूब स्टूडेंट्स इन द क्लास एज देवर इन द मॉर्निंग, कक्षा में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सुबह थे। तो जो संख्या पहले से ही मौजूद थी, विद्यार्थी जितने सुबह थे वो अब भी हैं, तो पहले से ही जो मौजूद संख्या उसके लिए द प्रयोग का प्रयोग होता है, पहले से ही जो मौजूद मात्रा उसके लिए द लिटिल का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू, डिफरेंस बिटवीन ए लिटिल एंड ए फ्यू, डिफरेंस बिटवीन द लिटिल एंड द फ्यू आपको सही समझ आ गया होगा। आई होप आपको सही ढंग से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।